हेलो क्लास, दिस इज़ मिस बबीता। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन मैथ क्लास। ऑन दिस क्लास वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 3 ऑफ द चैप्टर लार्ज नंबर। सो वन नंबर इज री राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स यूजिंग स्पेस एंड रिपीटेड सेपरेट द पीरियड्स अकाउंट टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। सो यहाँ पर दिया गया है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से तुम लोगों को इसको अलग अलग करके कैसे सेपरेट करके ये नंबर्स को लिखना है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या करते हैं, 3 के बाद कुछ थोड़ा स्पेस छोड़ के दोनों को के बाद 3 के बाद थोड़ा स्पेस, फिर दोनों 2 के बाद थोड़ा स्पेस, फिर 2 के बाद थोड़ा स्पेस, ऐसे स्पेस दे दे के लिखोगी। 2 नंबर क्या है, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन। ये सबको वर्ड्स में लिखना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन में, न्यूमेरेशन यूज करके, ठीक है। सो वर्ड्स में लिखोगी ये सब। 3 नंबर क्या है, राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमेरेशन। इसको क्या करोगी, यहाँ पर वर्ड में लिखे थे, यहाँ पर वर्ड में दिया गया है नंबर्स में लिखोगी, ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को, चार्ट के हिसाब से। 4 नंबर क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन द फॉलोइंग नंबर्स यूज द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन। ये जो नंबर्स दिया गया है यहाँ से 7 का, देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ये 7 का प्लेस वैल्यू क्या है इंडियन सिस्टम के न्यूमेरेशन के हिसाब से वो लिखोगी, ठीक है। यहाँ का स्पेस वैल्यू के ओनली 7 का ही लिखोगी, ठीक है। फिर 5 नंबर, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स यूजिंग स्पेस टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको 1 नंबर में जो किए थे 5 नंबर में भी वही है, स्पेस करोगी इनके बीच में, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से करोगी, ठीक है। 6 नंबर, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम। इसका नंबर का नाम लिखोगी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन के हिसाब से। 7 नंबर में, राइट द नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से इसको नंबर में लिखोगी, ठीक है, वर्ड में दिया गया है नंबर्स में लिखोगी। 8 नंबर क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स यूज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन के हिसाब से 9 का प्लेस वैल्यू लिखोगी क्या है। फिर 9 नंबर, ये तो ब्लैंक फिल करना है, 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, ये सब ब्लैंक को खुद फिल करोगे। 10 नंबर, फिल इन द ब्लैंक, दिस वन जस्ट कम्स आफ्टर, इसका आफ्टर नंबर, सॉरी दिस नंबर कम्स जस्ट आफ्टर, किसके बाद ये आता है, मतलब इसका बिफोर नंबर निकालना है, किसके बाद, ये भी किसके बाद आता है। बिफोर नंबर के लिए -1 करोगी, और इसका मतलब क्या है, दिस नंबर कम्स जस्ट बिफोर, किससे पहले आता है, तो यहाँ पर क्या करोगे, किससे पहले आता है, तो ये -1 करोगी, तो आफ्टर, जस्ट आफ्टर नंबर और जस्ट बिफोर नंबर निकालोगी। 11 नंबर, यूज द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन इन द राइटिंग, इन राइटिंग द फॉलोइंग नंबर्स। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन के हिसाब से लिखोगी, स्पेस दे देगी। और राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगी, प्लस प्लस करके जो लिखते हैं ना, 8 के बाद जितना डिजिट है उतना 0, प्लस 7 के बाद जितना डिजिट है उतना 0, वे सब करके लिखोगी। 13 नंबर, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म, ये सबको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगी, यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे थे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1, 9, ठीक है। 14 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा करके लिखोगी। 15 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा करके लिखोगी। सो you have to do this exercise. So this class is over, thank you.